लॉकडाउन के 63 दिन बाद बैरागढ़ में कपड़ा, बर्तन और ज्वेलरी की दुकानें खुल चुकी हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों में खुशी देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन ने सभी लोगों की कमर को तोड़कर रख दिया है। साथ ही प्रशासन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का दुकानों पर पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि व्यापारी दुकानों को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोल सकेंगे। दुकानदारों का किराया लोगों को भरना पड़ता था, बहुत से गोडाउनों का किराया भरना पड़ता था, कई लोगों के मकान भी किराए पे होते थे और राशन में भी आदमी की कहीं ना कहीं कमर टूटती है। स्कूल के खर्चे लोगों के चालू हैं तो इन खर्चों को लेकर भी व्यापारी उदास था। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय विधायक जी का, रामेश्वर शर्मा जी का, जिनकी पहल से ये व्यापार वापस से चालू हुआ है। देख सकते हैं इस समय हम मौजूद हैं बैरागढ़ के सबसे बड़ा मार्केट है संत हिरदाराम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर खोलने के लिए व्यापारी पहुँच चुके हैं और लगभग आज 63 दिन बाद जो है बाजार की रौनक वापस लौटने वाली है और सभी व्यापारी लगभग सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खोली जाएगी, इस तरीके की भोपाल कलेक्टर ने आदेश दिए हैं। और शनिवार और मंगलवार को बैरागढ़ बाजार पूरी तरीके से बंद रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाने होंगे। इस तरीके लगभग व्यापारी अब दुकान पर पहुंचना शुरू हो चुका है और दुकानें खोलने की अब प्रतिक्रिया शुरू होगी। हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है, क्या नाम है आपका? परशुराम खिलवानी है। परशुराम जी, कितने दिन बाद दुकान खोल रही है और किस तरीके की खुशी है? 63 दिन हो गए, 65 हो गए, हम तो सर्विस करते हैं। तो कैसा लग रहा है आज बहुत दिन बाद आप दुकान पर आए? भैया बहुत गलत लग रहा है। तो इसी तरह की काफी खुशी देखी जा रही है कि आज तकरीबन 65 दिन कहें या 63-64 दिन लगातार जो दुकानें थी वो बंद थी और उसके बाद आज व्यापारी जो है मार्केट खोलने के लिए बैरागढ़ बाजार जो है रौनक आ चुकी है और बाजार पूरी तरीके से खुलने के लिए तैयार हो चुका है और सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाना यहाँ पर अनिवार्य होगा। कैमरा मनोज शर्मा के साथ विवेक शर्मा, सोलार एक्सप्रेस, भोपाल।